खाद्य तेलों का बेलगाम आयात भारत को ऑयल सीड क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने से दूर कर रहा है। इससे तेल महंगे भी हो रहे हैं और इसे लेकर देश में सोयाबीन प्रसंस्करण करने की सर्वोच्च संस्था सोपा ने चिंता जाहिर की है। इंदौर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोया सम्मेलन में देश विदेश से आए एक्सपर्ट्स ने अपने विचार साझा किए। दो दिवसीय सोया सम्मेलन के पहले दिन सोया इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने कहा कि सोयाबीन सेक्टर में देश किस तरह ऑयल ईड्स खाद्य तेलों सोया प्रोटीन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सोया सम्मेलन में कहा गया कि कृषि प्रधान देश होने पर भी भारत दो तिहाई तेल भारत को आयात करना पड़ रहा है। यही कारण है कि देश में खाद्य तेल महंगा भी है। देश की आबादी के अनुसार 24 मिलियन टन खाद्य तेल की मांग है, जबकि हमारे पास महज 10 मिलियन टन ही खाद्य तेल है। देश में खाद्य तेल संकट गहरा रहा है, इसमें सोयाबीन का तेल मुख्य है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर सरकार को जोर देना होगा। दरअसल तिलहनी फसलों का उचित मूल्य न मिलने से किसानों ने अनाज उत्पादन को बढ़ावा दिया है। जब तक किसान गेहूं, धान और अन्य अनाजों की तरह ऑयल सीड वाली खेती नहीं करेंगे, तब तक तेल में आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकेगा। सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि तेल के आयात में कुछ प्रतिशत कटौती किसानों के हित में होगी। कच्चे सोयाबीन तेल पर 45 और सूरजमुखी तेल पर 50% तक का आयात शुल्क बढ़ाया जाए। वहीं इस सम्मेलन में ये भी कहा गया कि देश में 18 लाख टन सोयाबीन तेल का उत्पादन है, जबकि मांग ज्यादा होने से 36 लाख टन आयात किया जाता है। 80 लाख टन पाम ऑयल और 20 लाख टन सूरजमुखी तेल भी आयात होता है। वहीं मध्य प्रदेश तेल की उपलब्धता में देश में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश में 45% तो महाराष्ट्र में 35% तो राजस्थान में 10% सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।